लव मैरिज होगी या अरेंज, ऐसे प्रश्न हर युवा के मन में घूमते रहते हैं और उसके कोमल मन को गुदगुदाते रहते हैं। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ये पता लगाया जा सकता है? जी हाँ, ज्योतिष विद्या के ज्ञाता भी ऐसा ही मानते हैं कि इस विद्या के द्वारा ये पता लगाना बेहद आसान है। इनाडू इंडिया के अनुसार आइए जाने किस मूलांक के लोगों को मिलता है उनका प्यार और किसकी होती है शादी। मूलांक एक अंक एक सूर्य का माना जाता है। ज्योतिष की माने तो मूलांक एक वाले लोग काफी शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग कभी भी प्यार की पहल नहीं करते, इसी कारण ये लव मैरिज से अछूते रह जाते हैं। मूलांक दो अंक दो चंद्रमा का होता है। दो मूलांक वाले लोगों को प्यार काफी धीरे धीरे होता है। अगर ये एक बारिश और गंभीर हो गए तो प्रेम विवाह करके ही मानते हैं। मूलांक तीन, मूलांक तीन गुरु का माना जाता है। तीन मूलांक वाले लोग लव मैरिज में अक्सर सफल रहते हैं, हालांकि इन्हें थोड़े सहयोग की जरूरत होती है जिसके बाद यह अपने प्यार को शादी तक ले जाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सफल रहता है। मूलांक चार अंक चार राहु का माना जाता है, जो कि एक से अधिक लोगों के साथ प्रेम करता है। अतः ये लोग कभी भी प्रेम विवाह के प्रति गंभीर नहीं रहते। ये अगर स्वभाव को बदले तो अच्छे प्रेमी बन सकते हैं। मूलांक पांच अंक पांच बुध का माना जाता है। ऐसे लोग पारंपरिक रिश्तों को निभाने में यकीन रखते हैं। ये लोग परिवार की सहमति से ही विवाह करते हैं। इनकी कुंडली में सफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम विवाह का प्रबल योग रहता है। मूलांक छह छह का अंक शुक्र का प्रेम विवाह के लिए ही बना है। मूलांक छह वाले एक से अधिक प्रेम संबंधों में रहते हैं, इसलिए कभी कभी सही इंसान को खो देते हैं। इस मूलांक के 80% लोगों की लव मैरिज ही होती है। मूलांक सात सात का अंक केतु का माना जाता है। ये लोग संकुचित स्वभाव के एवं काम से काम रखने वाले होते हैं। ये प्रेम विवाह करना तो चाहते हैं, लेकिन अपने स्टेट्स के अनुसार। प्रेम में भी लाभ हानि की गणित इनका नुकसान पहुंचा देती है। मूलांक आठ आठ का अंक शनि का होता है। ऐसे लोगों के बहुत कम प्रेम संबंध रहते हैं, लेकिन अगर किसी से प्रेम कर ले तो फिर मरते दम तक प्यार निभाते हैं। प्यार को हासिल करने की मिसाल होते हैं। मूलांक नौ नौ का अंक मंगल का माना जाता है। मंगल प्रधान व्यक्ति किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहता। प्रेम में विवाद तो होता ही है, ये लोग प्रेम के प्रति उदासीन रहते हैं। दिल में इच्छा बहुत होती है, लेकिन डरते भी बहुत है। इनका प्रेम विवाह थोड़ा मुश्किल है।